फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की नजर अब कोका कोला पर है, क्योंकि हाल ही में किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई एम बाइंग कोका कोला टू पुट द कोकेन बैक। जिसके बाद कुछ लोगों ने तो इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ लोग काफी सीरियस हुए। एक शख्स ने तो रीट्वीट करके ये लिख दिया कि इलॉन यू आर टू पुअर ऑन बाइंग कोका कोला, जिसके बाद ये ट्वीट वायरल हो गया। अब सवाल ये है कि अगर सही में इलॉन मस्क कोका कोला कंपनी खरीदना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? दरअसल इम्पॉसिबल तो इलॉन मस्क के लिए शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन कोका कोला के ओनर ग्रिग्स, सीईओ जेम्स और वहीं इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर वॉरेन बुफे क्या उन्हें ये खरीदने देंगे? क्योंकि वॉरेन बुफे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं और वो अपनी कंपनी को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे। अब इलॉन मस्क और वॉरेन बुफे का ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। आपकी इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर टू। गाइस, अब आप एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल पाएंगे। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने ये अनाउंस किया है कि वो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई को भी बनाया था, उसके साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे सारे एटीएम यूपीआई को सपोर्ट करने लगेंगे। यानी कि अब आप जब भी एटीएम में जाओगे तो यूपीआई का ऑप्शन आपको दिखेगा, और जैसे ही आप अपना अमाउंट एंटर करोगे तो क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से पैसे का लेन देन कर पाओगे, जैसे कि आप एक दुकानदार से करते हो। वहीं आरबीआई का कहना है कि इससे दो चीजें काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, पहला तो कार्ड डिटेल चोरी और दूसरा कार्ड की क्लोनिंग। गाइस, इससे तो अब यही लग रहा है कि डेबिट कार्ड का अंत आने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर थ्री। आज देश की बेटियां विज्ञान, कला, खेल, राजनीति और शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। पर इसके बावजूद भी देश के कई ऐसे इलाकों में आज भी बेटियों को बोझ माना जाता है। समाज की इसी रूढ़िवादी सोच को बदलने का काम कर रही हैं वाराणसी की डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव। डॉक्टर शिप्रा अपने अस्पताल में बेटी का जन्म होने पर कोई भी फीस नहीं लेती हैं, और तो और खुद ही पूरे अस्पताल में मिठाइयां बंटवाती हैं। और अब तक वो 100 से भी ज्यादा बेटियों के जन्म पर ऐसा कर चुकी हैं और समाज में एक मिसाल बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर शिप्रा के इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। ए टू फैमिली डॉक्टर शिप्रा के इस नेक काम के लिए उन्हें सल्यूट करती है। फैक्ट नंबर फोर। गाइस, भारत में फिल्मों का निर्माण 1950 से 60 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन टीवी सीरियल्स के निर्माण में लंबा वक्त लगा। टीवी सीरियल्स की शुरुआत 1980 के दशक में तो हुई, और पहला भारतीय टीवी सीरियल जिसका नाम हम लोग था, 7 जुलाई 1984 को भारत के राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित हुआ। इस सीरियल में एक भारतीय मिडिल क्लास के परिवार का स्ट्रगल दिखाया गया था, जिसकी वजह से दर्शक इस सीरियल से खुद को कनेक्ट कर पाए। इस सीरियल के 154 एपिसोड थे और ये धारावाहिक 17 दिसंबर 1985 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।